सो जैसे कि अभी आप पीछे देख रहे हैं धूना अगरबत्ती प्रीमिक्स फॉर्मुलेशन। सो धूना अगरबत्ती का जो प्रीमिक्स है, प्रीमिक्स फॉर्मुलेशन आज की इस वीडियो में जानेंगे, आज के इस टॉपिक में जानेंगे। और उससे पहले जो है धूना प्रीमिक्स फॉर्मुलेशन से पहले जो है धूना पाउडर्स के बारे में समझते हैं। बेसिकली जैसे कि अभी सामने आप देख पा रहे होंगे, तो ये मैंने एक बाउल्स में जो है धूना पाउडर रखी हुई है। सो ये धूना किस तरीके से दिखने वाली चीज़ है, जैसे कि आप देखोगे तो इसका एक, पहले इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। ये एक तरीके का रेजी नोट है जिसे हम धूना डस्ट बोलते हैं या फिर धूना पाउडर बोलते हैं। और ये जो है आपका जैसे लोबान होता है और जैसे गूगल होता है, और उसी तरीके से जो है ये भी एक तरीके का रेजी नोट है, जो कि ज़्यादातर ये स्टिकी फॉर्म में होती हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में होती हैं, जिसे पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। जैसे कि लोबान आप देखे होंगे, आर्टिफिशियल लोबान ज़्यादातर मार्केट्स में आती है, रियल जो लोबान है वो तो मिलती नहीं, जो ओरिजिनल होती है वो नहीं मिल पाती। उसके बाद जो है इसकी जो है ग्राइंडिंग की जाती है, इसे पीसी जाती है। तो कुछ इस तरीके के फॉर्म में ये दिखती है। इसका जो है क्वालिटीज़ को आप किस तरीके से पहचानोगे, तो सबसे पहली चीज़ देखोगे तो इसमें जरा भी हाथ से लेने से ये उड़ता है, मतलब डस्ट जो होती है ना इसकी बहुत ज़्यादा जो है फैलता है। और इसकी स्मेल जो है आपको एक कैटेगरीज, मतलब एक अलग ही टाइप की जो फ्रेग्रेंस है इसमें निकल के आएगी, जिसके वजह से इसे हम धूना के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ इसकी क्वालिटीज़ को एक तरीके से और पहचान सकते हैं, वो आपको कुछ 10 से 20 ग्राम कुछ इसको लेना है, किसी जगह पे आपको रखना है, रखने के बाद इसको जला के देखना है। जलाने पर इसमें आपको दिखेगा ऑयलीपन, मतलब जैसे किसी चीज़ को आप जलाओगे ना तो उसमें ऑयल के जैसे वो दिखने को आपको मिलेंगी, और ये बहुत जल्दी जो है आग पकड़ेगी। मतलब एक तीली आप जैसे माचिस की तीली आप डालोगे तो तुरंत ये आग पकड़ लेगी, जैसे कि पेट्रोल्स वगैरह में आग पकड़ लेती है, जैसे कोई तो तेल होता है तो ऑयल्स वगैरह में आप माचिस डालते हो तो जल जाती है वो, उसी तरीके से ये जलेगी। तो ये इसकी जो है फर्स्ट क्वालिटी ये होती है। तो ये राल तो आप समझ में आ गए होंगे, धूना आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए अभी हम बात करते हैं अपने फॉर्मुलेशन के ऊपर। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे धूना अगरबत्ती प्रीमिक्स फॉर्मुलेशन। सो इसको किस तरीके से जो है हम इसका जो है प्रीमिक्स का फॉर्मुलेशन निकालेंगे, पाउडर्स कैसे कैसे कितने कितने रेशियो में होंगे उसके बारे में जो है जानते हैं। और इसके पाउडर्स के बेस में मैंने एक और फॉर्मुलेशन दिया हुआ था जो कि थोड़ा अच्छा था, बट वो स्ट्रांग नहीं था। सो इसके वजह से ये हमारा सेकंड फॉर्मुलेशन होगा, और ये काफ़ी स्ट्रांग फॉर्मुलेशन होगा, और जब इसे आप तैयार करेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये बनेगी। पाउडर्स कौन कौन से लेने हैं, सबसे आसान फॉर्मुलेशन है और आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें फर्स्ट हो गया हमारा, और इसको बनाने के तो ये पाइन डस्ट हम लेंगे, क्योंकि देखो पाइन डस्ट का क्या होता है, जैसे सॉ डस्ट होता है तो ये थोड़ी सी हाईएस्ट क्वालिटी हो जाती है। पाइन डस्ट हमारे इंडिया का पाउडर है, और पाइन डस्ट जो है काफ़ी फिनिशिंग और फाइन होती है। T1 से थोड़ा हल्का जो है इसकी क्वालिटी पुअर होती है, लेकिन काफ़ी अच्छा पाउडर है ये पाइन डस्ट। पाइन डस्ट हमको लेना है 1 kg। सेकेंड होगा हमारा जो सोडा लिया हुआ तो दूसरा हमने पाउडर लिया है जोस पाउडर 180 ग्राम, आपको लेना होगा एक अच्छी तरीके से बॉन्डिंग करने के लिए। और उसके बाद तीसरा होगा हमारा धूना डस्ट, जिसके लिए हमने ये प्रीमिक्स का जो फॉर्मुलेशन बनाया है। तो ये धूना आपको लेना होगा, धूना डस्ट हमको लेना होगा एक अच्छी क्वालिटी का, लगभग 200 ग्राम। और ये जो है एक बेटर क्वालिटी की धूना अगरबत्ती बनाने के लिए, धूना काठी बनाने के लिए काफी अच्छा है, काफी अच्छा रेशियो है ये 200 ग्राम। ज्यादा महंगी नहीं होती है ये धूना डस्ट जो है, आपको लगभग लगभग 100 से लेके 150 रुपीज़ kg के आसपास मिल जाएंगी, क्वालिटी वाइज जो है आपको मिल जाएंगी। तो ये हम लेंगे 200 ग्राम।
और उसके बाद जो है अगला हमारा इंग्रेडिएंट्स होगा, उसके बाद जो है अगला और हमारा चौथा इंग्रेडिएंट्स होगा तो वो है हमारा सिलारस। मैंने पहले से इसे नोट कर लिया है। सिलारस बेसिकली क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सिलारस एक तरीके का पेस्ट है और ये जो है पेस्ट आपको हलमटी के जैसा और एक चिपचिपापन गाढ़ापन जो है इंग्रेडिएंट्स है जिसको आपको यूज़ करना होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम आपको यूज़ करना होगा सिलारस। और ये हलमटी के जैसे होता है और उसी तरीके का ये फॉर्म का होता है, बस ये जो है लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा जिसको हम पेस्ट बोलते हैं। तो इस पेस्ट का जो है आपको यूज़ करना है और ये एक अच्छी खुशबू लेके आएगा हमारा जो है ये दूना अगरबत्ती फॉर्मुलेशन को। और जो जो पाउडर्स हम डालेंगे ना, जैसे कि हमारा पाइन डस्ट हो गया, जोस हो गया और ये दूना, तो ये दूना पेस्ट, दूना का जो पाउडर हम यूज़ करेंगे 200 ग्राम, उसको ये लॉक करके रखेगा ताकि फ्रेग्रेंस जो है लंबे टाइम तक चल पाए। तो इसके लिए सिलारस आप यूज़ कीजिए 100 ग्राम। ये बेसिकली पेस्ट के फॉर्म में होगा और इसको यूज़ करने का तरीका ये है, जैसे अपने पाउडर के सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपको ये पेस्ट डालना है, उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से आपको मिक्स करनी है। सो इस तरीके से जो है आप सिलारस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक और इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं जो कि एक अच्छी बूस्टिंग लेके आएगा दूना अगरबत्ती में, सो ये हमारा जो है पांचवा इंग्रेडिएंट्स होगा जो कि 11-11 हम पाउडर लेते हैं। और 11-11 क्या है, इस सारे फ्रेग्रेंस को जो है मेंटेन करके रखेगा और एक अच्छी खुशबू जो है वो लेके आएगा। और जो है हमने 11-11 यहाँ पे नोट कर लिया है और 11-11 आपको लगेगी लगभग लगभग 20 ग्राम। और 11-11 आप जानते हो, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इसके ऊपर अभी रिसेंट में आने मैंने 11-11 के बारे में बताया। तो 11-11 एक ऐसा पाउडर है जो सारी कैटेगरी की अगरबत्तियों के साथ जो है मिलके उसका फ्रेग्रेंस जो है लास्टिंग करने में मदद करता है। खाली आपका ब्लैक अगरबत्ती कलर और ये सारी अगरबत्तियों को छोड़ के, जो डीपिंग होती है उस अगरबत्तियों को छोड़ के, बाकी हमारा जो है जिस तरीके की आप अगरबत्ती ले लो उसमें जो है 11-11 का यूज़ किया जाता है। और एक एक अच्छा बूस्टिंग और फिक्सेटिव जो है केमिकल्स हैं, केमिकल्स और काफ़ी सारे हैं जो कि धीरे धीरे आने वाले वीडियो में आपको बताते रहूँगा। तो 11-11 आप डालोगे 20 ग्राम और इसके बाद जो है हमारा फॉर्मुलेशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसके बाद जो है ये टोटल हमारा इंग्रेडिएंट्स बनता है लगभग लगभग 1 kg का 180, 200, 100 और 20। तो ये हो गया हमारा 1500 ग्राम का, 1.5 kg के आसपास जो है ये फार्मुलेशन बनेगा। और इसके लिए जो है आपको वाटर देना होगा, वाटर हमारा जाएगा इसमें, पानी हमको लगेंगी क्योंकि ये 1.5 किलो का है। 1.5 kg के लिए आपको जो पानी लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। 850 से लेके आप 900 ml तक डाल सकते हैं। 900 ml जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, 850 से लेके 900 ml तक आपको ये पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि अभी तो 1.5 kg का है तो इसके हिसाब से अगर क्वान्टिटीज़ बढ़ानी तो इस रेशियो को जो है आप सीधा जितने केजी का आपका बैच होगा उसके हिसाब से आप इसे इनटू कर दीजिए, तो ये जो है आपके हिसाब से आपका फार्मुलेशन रेडी हो जाएगा। और 100% सक्सेसफुल फार्मुलेशन है, काफ़ी अच्छा है दूना अगरबत्ती प्रीमिक्स फार्मुलेशन। और इस चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और इसे एक बार आप प्रैक्टिकल ज़रूर कीजिए और ये काफ़ी अच्छा जो है दूना अगरबत्ती का जो है क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ जो है ये फार्मुलेशन हमारा कम्प्लीट हुआ। आने वाले किसी नए वीडियो में मिलते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके के फार्मुलेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।